नमस्ते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीटीसी चालान के बारे में। 2023-2024 के चालान भरने का समय आ चुका है। 2023-2024 के चालान भरने की ड्यू डेट 30 जून 2023 है, तो सभी पीटीसी होल्डर्स को 30 जून 2023 के पहले 2023-2024 की पीटीसी चालान भरनी होगी। उसके बाद भरने पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो बात करेंगे इस चालान को कैसे भरा जाए। तो इसके लिए महा जीएसटी के पोर्टल पर आना होगा और उसके बाद यहाँ एक ई पेमेंट्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर ई पेमेंट रिटर्न्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्क्रीन पर टिन वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा और यहाँ अपना पीटीसी नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अगले पेज पर यहाँ पीटीसी एक्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ फॉर्म आईडी अपने आप आ जाएगा और ऊपर पीटीसी नंबर और नाम दिखाई देगा, जिसे एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, 2023-2024 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पीरियड अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ अमाउंट एंटर करनी होगी। इस पीटीसी के अंतर्गत मैक्सिमम जो चालान होती है वो 2500 रुपये की होती है और पीटीसी की चालान कितनी भरनी है ये एंट्री के ऊपर निर्भर होता है, किस एंट्री के अंदर आपने पीटीसी का एनरोलमेंट किया है। तो जो भी आपकी पीटीसी की लायबिलिटी है उस हिसाब से आपको अमाउंट एंटर कर लेनी होगी। उसके बाद यहाँ प्रोफेशन टैक्स ऑफिस का लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देगी, यहाँ एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ दो ऑप्शन है, एक है ग्रास, दूसरा है एसबीआई ई पे। हम यहाँ ग्रास द्वारा पेमेंट करेंगे तो यहाँ ग्रास के ऊपर टिक करना है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ड्राफ्ट चलान दिखाई देगी, इसके अंदर जो डिटेल्स है उसे एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ मेक पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगले पेज पर पेमेंट की डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ हमें पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ इंटरनेट बैंकिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ आप चालान जनरेट करके उसे बैंक के काउंटर पर जाकर भी भर सकते हैं। और तीसरा दो ऑप्शन है, यहाँ इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो इन तीनों में से जिस भी पेमेंट मोड से आपको पेमेंट करना है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बैंक सिलेक्ट करनी होगी जिसके द्वारा पेमेंट करना है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। इसके बाद यहाँ एक एग्री वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टिक करना है और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर जीआरएन नंबर लिखा होगा, इस जीआरएन नंबर को सेव करके रखना है। इस जीआरएन नंबर को यूज करके पीटीसी चालान को फिर से रिप्रिंट किया जा सकता है। इसे ओके कर लेंगे। अब यहाँ हमें इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कंप्लीट कर लेना होगा और पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें हमारी चालान मिल जाएगी, जिसे हम डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। पीटीसी या पीटीआरसी चालान डाउनलोड नहीं होती है तो उसे फिर से कैसे जनरेट करें, कैसे रिप्रिंट करें, इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।